दोस्तों आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से कई बार जो आपका पैसा होता है वह सरकारी खजाने में चला जाता है। दोस्तों आज भी लोगों में जागरूकता की कमी है और इसी का खामियाजा आपको कई बार भुगतना पड़ता है। जो पैसा आपके सीधे अकाउंट में आता है वह सीधे सरकारी अकाउंट में चला जाता है। तो अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि मैं आखिर किन बातों की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं आखिर कहना क्या चाहता हूँ। दोस्तों आज भी लोग जागरूक नहीं हैं, आज भी लोगों का नियत में खोट होता है। वे चाहते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे, वे अपना टैक्स बचा ले। यही कारण है कि अगर किसी से पूछा जाए कि क्या आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो फिर सवाल पूछने के बाद कई लोग भड़क जाते हैं। वे कहते हैं कि कमाने का कोई ठीक ही नहीं है, मैं टैक्स क्या भरूं, मेरा कोई इनकम ही नहीं है, तो मैं अपना ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करूं। लेकिन दोस्तों आपका इनकम हो या फिर ना हो, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। मैं फिर से आप लोगों को एक बार क्लियर कर दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब यह नहीं होता है कि आपको टैक्स देना ही है। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे तो फिर आपको टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देना है। अब यहाँ पर होता क्या है कि कई लोग अपना FD यानी फिक्स डिपॉजिट बैंक में, पोस्ट ऑफिस में कराए होते हैं, या फिर अगर वे किसी कंपनी के साथ टाई अप होकर कोई काम करते हैं तो फिर उनका यहाँ पर TDS कट जाता है। कई तरह से कमाया हुआ इनकम पर आपका TDS कटता है। मैं कभी इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। और आपका यहाँ पर TDS कट जाता है लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि आपका TDS कटा है। और जो आपका टैक्स कटता है, अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो फिर जो भी TDS कटा हुआ है उसे क्लेम करके आप अपने अकाउंट में रिफंड ले सकते हैं। वहीं अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, आप मिस कर देंगे, तो जो TDS कटा है वह सीधे सरकार के खाते में ही रहेगा, वह आपके खाते में नहीं आएगा। तो यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब नहीं है कि आप पॉकेट से टैक्स दें। अगर इनकम नहीं है तो टैक्स नहीं देना है, लेकिन आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स कटे तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद आप उसे आसानी से रिफंड ले सके। या फिर ITR फाइल करते रहेंगे तो कल को आपको होम लोन या फिर कार का सपना है, घर बनाने का सपना है, तो फिर आप आसानी से लोन लेकर उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन बैंक इसके लिए आपसे करेंट 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मांगता है, तो आपको अपना रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। और कई बार TDS कट जाता है, हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो जो भी प्रोफेशनल आपका फाइल करेगा वह आपको बताएगा कि फलाने जगह से आपका TDS कटा हुआ है, या TDS आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।